गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा जीन थेरेपी। सो क्या होती है जीन थेरेपी? जैसे आपने फिजियोथेरेपी सुना है, मेडिसिन थेरेपी सुना है, ऐसे ही होती है जीन थेरेपी। सो अगर किसी की जीन फॉल्टी है, अगर वो तो उसको हम क्या करते हैं, मान लो वो हेरिडिटरी डिसीज़ है कुछ, उसके लिए जीन थेरेपी हम दी जाती है। तो वहाँ पर हमें फॉल्टी जीन को हटा के और जो हेल्दी जीन है उसको डाला जाता है। सो जीन थेरेपी इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउस करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट। अगर किसी के अंदर जो है वो जीन डिफेक्ट हो गया है, सो दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो, और अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए, तो हम उस फॉल्टी जीन को हटा के, यानी जो ख़राब जीन है उसको हटा के हम हेल्दी जीन डाल सकते हैं। सो करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। सो हम उसको जो है जो फॉल्टी जीन है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह हम नॉर्मल जीन डाल देंगे। अगर ये बात हमें पता चल जाए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि कोई फॉल्टी जीन है, तो परमानेंट क्योर हो जाएगा अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको कर देंगे तो। सो जो फर्स्ट जो थेरेपी दी गई थी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई थी वो 4-year-old गर्ल को दी गई थी। 4-year-old गर्ल को दी गई थी कब? इन 1990 में 4-year-old गर्ल को दी गई थी फर्स्ट जीन थेरेपी। उसको क्या था? उसको ADA डेफिशिएंसी थी। ADA डेफिशिएंसी मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है ADA की? एडिनोसिन डी एमिनेज। ये वो एंजाइम है जो इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है। तो उसके अंदर जो जीन एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाती है वो जीन नहीं था, तो जिसकी वजह से, यानी वो फॉल्टी जीन था जो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं बना रहा था। और जब वो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करेगा? ये इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा। तो क्योंकि एडिनोसिन डी एमिनेज जो है वो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो अगर उसके पास वो जीन नहीं है जो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाता है, तो लिम्फोसाइट नहीं बनेगी। और आपको पता है लिम्फोसाइट से हमारी इम्यूनिटी आती है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सो इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाएगा, तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया उसको जल्दी से, यानी जो भी पैथोजन है उसको जल्दी से अटैक कर लेंगे, जल्दी से अटैक करेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा? स्किड, जो डिसीज़ होगी वो क्या होगी? स्किड मतलब सीवियर कंबाइंड, फुल फॉर्म है इसकी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही वीक है, तो कोई भी पैथोजन उसको जल्दी से अटैक कर सकता है जब इम्यूनिटी नहीं है। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर उसको हो जाता है। तो अब इसका क्योर क्या है? अब इसका क्योर क्या करेंगे? सो जो टेम्परेरी क्योर हैं, टेम्परेरी क्योर में क्या है कि या तो हम उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें, कुछ के अंदर तो ये कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वैसे तो ये परमानेंट होना चाहिए, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये टेम्परेरी क्योर है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कुछ के अंदर हम ये करा सकते हैं, कुछ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब एंजाइम को, जो फंक्शनल एंजाइम है हमारा एडिनोसिन डी एमिनेज, उसको हम इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू दे दें, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू हम इंजेक्ट करा दें। सो उसको जब ये एडी एंजाइम मिल जाएगा तो लिम्फोसाइट बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ के अंदर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, बट ये क्या है? ये टेम्परेरी क्योर है। अब जीन थेरेपी की उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है
टूवर्ड्स जीन थेरेपी, वो क्या है कि हम क्या करें, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट को बाहर कल्चर कराएं। ये क्या है, WBC यानी लिम्फोसाइट्स, इनको बाहर हम कल्चर कराएं। और इसमें हम जो है जो हेल्दी जीन है वो डाल दें, जो हेल्दी जीन है हमारी, हेल्दी जीन डाल दें, यानी जो ADA बना रही है, जिससे हमारा क्या बनेगा आगे जाके ADA, वो डाल दें। सो अब क्या होगा, ये इसको हम कल्चर कराएं, ये ग्रो करेगी, और तो इसके अंदर वही हेल्दी जीन आएगी, हेल्दी जीन आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये किसके थ्रू करेंगे, ये जीन का ट्रांस, हम जीन इसमें किसके थ्रू डालेंगे, हम जो इसके लिए वेक्टर यूज़ करेंगे वो वेक्टर क्या है हमारा, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के थ्रू हम इसके अंदर जो हमने पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट बाहर निकालेंगे, लैब में कल्चर कराएंगे उसको, और रिट्रोवायरस के थ्रू उसमें हम हेल्दी जीन डाल देंगे। सो रिट्रोवायरस, आपको पता है रिट्रोवायरस के पास क्या होता है, रिट्रोवायरस के पास RNA होता है। ठीक है, और ये RNA के थ्रू जो DNA बनता है, RNA है, और आपको पता है जब इसमें एंटर करेगा RNA, सो RNA से पहले क्या बनेगा, DNA, RNA से फिर DNA बनता है, तो ऐसे DNA को हम बोलते हैं cDNA। RNA से जो DNA बनता है वो कहलाता है cDNA, जो कि हमने क्या यूज़ किया, रिट्रोवायरस यूज़ किया। और आपको पता है कि रिट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है RNA। सो जब ये यहाँ जाएगा तो RNA से पहले DNA बनाएगा, सो इसलिए इसको हम बोलते हैं cDNA। ठीक है, सो ये जो जीन है, ये जीन हेल्दी जीन आ गई। अब हम इस WBC को वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे, पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे, पर क्या होगा, ये इमॉर्टल तो है नहीं कि भाई जो एक बार डाल दी वो हमेशा टाइम रहेंगी, ये इमॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, तो ये कुछ टाइम बाद ही ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें बार बार देना पड़ेगा, तो ये परमानेंट क्योर तो नहीं है कि एक बार डाला थोड़े टाइम तक तो वो रहेंगी, ग्रो करेंगी, रहेंगी, पर हमें बार बार ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमने अभी बनाई हैं, जो लिम्फोसाइट हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, वो हमें बार बार देना पड़ेगा पेशेंट को, बार बार इसको देना पड़ेगा, इसकी बॉडी में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉर्टल नहीं है। सो परमानेंट क्योर क्या है इसका, सो परमानेंट क्योर जो है वो है कि अगर हमें इसका जो परमानेंट क्योर है वो क्या हुआ, फिर ये सारे तो टेम्परेरी हो गए। सो परमानेंट क्योर क्या है कि परमानेंट क्योर है कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें पता चल जाता है कि इसके पास फॉल्टी जीन है, तो हम उस फॉल्टी जीन को हटा के उसमें नई जीन डाल देना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम ये काम करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हम ये काम करेंगे, तो ये परमानेंट क्योर है कि हम फॉल्टी जीन को हटाकर जो ADA नहीं बना रही थी उसको कट करके हम उसमें नई जीन डाल दें, तो ये परमानेंट क्योर है। बाकी ये सारे क्या हैं, ये सारे टेम्परेरी क्योर हैं, कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं, या एंजाइम दें उसको इंट्रावेनसली, या हम लिम्फोसाइट को बाहर कल्चर कराएं और उसमें फिर हम रिट्रोवायरस वेक्टर के थ्रू हेल्दी जीन डालें और उसको ग्रो करा के वापस पेशेंट की बॉडी में डालें, पर वो क्या है, थोड़े टाइम बाद मर जाएंगी, फिर वापस डालनी पड़ेंगी, बार बार हमें जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट देना पड़ेगा। सो ये परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर है कि अगर हमें पहले से एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए कि इसके पास फॉल्टी जीन है, जो ये ADA एंजाइम नहीं बना रही है, तो हम उस फॉल्टी जीन को हटा के उसकी जगह हेल्दी जीन डाल देंगे, सो वो परमानेंट क्योर है। सो जीन थेरेपी का मतलब समझ में आया कि कोई जीन अगर फॉल्टी है तो उसकी जगह हम उसको नई जीन लगा दें, तो हम उसको ये थेरेपी दे देंगे डाल के, जो उसका परमानेंट क्योर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।